नमस्ते प्यारे दोस्तों। नमस्ते और सब कैसे हो? ठीक है सर। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। आपको पता है कैसे लिखा गया है? चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है। कब? तारीख याद रखना 23/8/2023। हम सभी एकलव्य छात्रावास के विद्यार्थी भारत के वैज्ञानिक को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान 3 उतारा गया है। ये विश्व में हमारा भारत देश पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है। इससे पहले 3 देश चंद्रमा पर पहुंचे लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे, इसलिए हम विश्व के पहले ऐसे देश के रूप में पहचान बना दी गई हमारे वैज्ञानिकों ने, जो कि एक स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन पूरे विश्व में इतिहास बन गया है। ऐसे 3 देश जो पहले चंद्रमा पर पहुंचे, अमेरिका, रूस और चीन, और हमारा भारत देश वैसे 4th देश बन गया है, लेकिन यह हमारा पहला देश यूं भी बन गया है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर उतारा गया है चंद्रयान 3। इससे पहले हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो सफलतापूर्वक नहीं उतरा, तो हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों में एक मायूसी छा गई थी। लेकिन फिर हमने खुद देखा है कि जब 2019 में इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथ जब चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक नहीं उतारा तो बहुत निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। तब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर वही थे और सोमनाथ जी को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने वापस दोबारा मेहनत करने और संघर्ष करने का सुझाव दिया, तो वैज्ञानिक पूरे नैतिक बल के साथ में वापस चंद्रयान 3 की तैयारी में लग गए और आज 23 अगस्त 2023 को विश्व में स्वर्णिम अक्षरों से पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी एकलव्य आश्रम के विद्यार्थी भारत देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनसे एक प्रेरणा ग्रहण भी करते हैं कि जिस तरह से वो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 नहीं सफल कर पाए, ऐसे ही हम सभी विद्यार्थी भी अगर मेहनत और संघर्ष करेंगे तो जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे। आज एकलव्य छात्रावास जो बना हुआ है हमारे आदरणीय चित्रलाल जी गुरु जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब मोहनलाल जी, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब और पूरे भील समाज की ओर से यहाँ पर एकलव्य छात्रावास बनाया गया है और आज हमारे छात्रावास में 40 से और 50 के बीच में हमेशा ही विद्यार्थी यहाँ पर विद्या अध्ययन करते हैं और अपना संघर्ष करते हैं और संघर्ष के साथ में अपना भावी जीवन यहाँ पर निखारते हैं और भावी जीवन की तैयारियां करते हैं। तो हम सभी मिलकर एक संघर्ष कर रहे हैं, एक ना एक दिन जिस तरह से चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक अपना मिशन कामयाब कर चुका है, ऐसे ही हम सभी विद्यार्थी भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो संघर्ष में नैतिक बल, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ जी को नैतिक बल प्रदान किया और वो जोर और संघर्ष के साथ में अपने मिशन पर लगे, ऐसे ही हमें नैतिक बल जो प्रदान किया जाता है वो हमारे आदरणीय चित्रलाल जी गुरु जी, मोहनलाल जी, प्रिंसिपल साहब हमें हफ्ते में
दो तीन बार आ ही जाते हैं और नैतिक बल एक साहस उत्साह शक्ति का हमारे अंदर संचार करते हैं और उस उत्साह शक्ति के साथ में हम सभी विद्यार्थी वापस लगन और मेहनत से जुड़ जाते हैं और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। ऐसी हमारी भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों की थी। तो हम सभी यही एक संकल्प ले आज जिस तरह से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर लिया है, ऐसे ही हम सभी विद्यार्थी हम भी हमारा मिशन सफलतापूर्वक बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। हम भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे नैतिक बल जो हमें दिया जा रहा है ऐसा ही नैतिक बल हमें और युवाओं को और साथियों को और भाई और बहनों को हमें देना है। जो नैतिक बल हम उनको प्रदान करेंगे वो एक ऊर्जा का संचार का कार्य करेगा। इस तरह से हम सभी जैसी स्थिति में हैं तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको नैतिक बल प्रदान किया जाए ताकि शिक्षा से जुड़कर सभी विद्यार्थी अपना भावी जीवन और अच्छा जीवन बना सके जिससे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। शिक्षा ही वो ताकत है जिससे विश्व में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम सभी को शिक्षा के प्रति जोर और जुनून के साथ ये संघर्ष करना है और एक ये संदेश देना है कि शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सभी साथी आज संकल्प लें, हमको तो सफल होना ही है लेकिन हमारे साथ में हमारे जो भाई बहन हैं जो दूर शिक्षा से हैं अभी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के बारे में प्रेरित करना है और शिक्षा के बारे में उनको बताना है कि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र और शस्त्र है जिसके माध्यम से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि शिक्षा वो जड़ है जिसमें हम अगर संचार करेंगे, हम अगर जड़ पर अगर अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो एक दिन वो जड़ वृक्ष बन जाएगा और वृक्ष बनकर बहुत ही एक इतिहास रच देगा। कहा भी गया है शिक्षा वो शेरने का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। इसलिए सभी अपने भाई और बहनों को शिक्षा से, जो नहीं जुड़े हैं उनको शिक्षा से जोड़े। और मेरे हिसाब से तो शिक्षा ही वो ताकत है जो कि हमें, जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता है उसको भी वो लिख देता है और वो प्राप्त हो जाता है। कहा भी गया है चाणक्य के द्वारा इंसान के अंदर 3 शक्तियाँ होती है। उत्साह शक्ति जो सबसे पहले नंबर पर आती है, दूसरी है प्रभाव शक्ति और तीसरी है मंत्र शक्ति। अगर हमारे अंदर उत्साह है कुछ कर गुजरने का तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभाव शक्ति हमारे अस्त्र शस्त्र ऐसे होना चाहिए जैसे हमारी गाइडें, हमारी किताबें, हमारे नॉर्थ, हमारे गुरु जो हमें ऐसी प्रेरणा दे जो कि हमें एक इतिहास रचने में अमूल्य योगदान दे सके। मंत्र शक्ति ऐसे साथियों के बीच में आप समय गुजारे जो आपको समय समय पर आपको उचित मार्गदर्शन करते रहे और सही सलाह के माध्यम से आपको अच्छा जीवन बिताने के लिए या अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करें। तो इसमें सबसे जोरदार यानी कि सबसे पहला आ जाता है उत्साह शक्ति। आप भले ही कितने ही गरीब हो या कितने ही अमीर हो, अगर आप में शिक्षा नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल जीवन नहीं जी सकते। इसलिए शिक्षा के माध्यम से हम, चाहे हमारा कोई भी बैकग्राउंड हो लेकिन अगर हमने शिक्षा अर्जित कर ली और एक मिशन जिस तरह से चंद्रयान 3 एक अपनी संघर्ष की कहानी लिख गया, ऐसे ही हमें भी हमारे संघर्ष से एक कहानी लिखनी है जिससे पूरा देश हम पर गौरवान्वित करे। जैसे आज हमारा देश एच सोमनाथ जो इसरो के चीफ है उन पर देश गौरवान्वित कर रहा है, तो ऐसे ही हम भी कुछ ऐसा कर गुजर जाए जिससे हमारा समाज,
हमारा माता पिता और हमारा देश हम पर गौरवान्वित महसूस करे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। पुणे में अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने विश्व में एक इतिहास बना दिया है और भारत देश का नाम स्वर गौरवान्वित किया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।